छपरा नगर निगम के नए महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद वे जब अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने नगर निगम के मुख्य गेट पर सबसे पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद वहां से वे गौ माता के साथ अपने कार्यालय कक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय कक्ष में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद वे अपनी कुर्सी पर बैठे और अपने पदभार को ग्रहण किया। लगातार जो उन्होंने कहा और बताया कि जिस तरह से छपरा नगर निगम में जो नरक निगम में छपरा नगर निगम तब्दील हो गया है, उसको वो दुरुस्त करेंगे, अपने इस प्रतिबद्धता को उन्होंने बार बार दोहराया। सबसे पहले मैं छपरा नगर निगम के सभी सम्मानित मतदाता बंधु, हमारे अभिभावकगण, सभी सारण वासियों को मेरे तरफ से आज जो मुझे दायित्व सौंपा है उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि जो इस दायित्व के लिए मुझे चयनित किया है। और रही बात प्राथमिकता की, तो नगर निगम के अनेकों कार्य हैं और इस कार्य पर मैं सबसे पहले प्राथमिकता में जल निकासी के प्रबंधन पर भरपूर प्रयास करना चाहूँगा कि शहर में थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, अनेकों जगह जल जमाव की जो समस्या है उसको दूर करने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। दूसरा जो प्रयास है छपरा नगर निगम के साफ़ सफाई की व्यवस्था की, क्योंकि आज तक नगर निगम के बहुत सारे क्षेत्रों को नगर निगम का क्षेत्र नहीं मानकर चला जाता था, और मेरे दायित्व काल में और मेरे कार्यकाल में नगर निगम के उन सारे क्षेत्रों को पूर्णतः उसी स्तर से देखा जाएगा जो कि अन्य क्षेत्रों से देखा जाएगा। कोई भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल समान विचारधारा के साथ इस नगर निगम को हम लोग आदर्श नगर निगम के रूप में आगे ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ के सभी जनता जनार्दन, सभी नगरवासियों, हमारे अभिभावकों से भी आग्रह करता हूँ कि आप सभी अपने मार्गदर्शन के द्वारा, क्योंकि हम लोग, ये शहर हमारा है और हम लोग को तय करना है कि हम लोग कैसे रहेंगे, तो इस स्तर पर कार्य करना होगा। और हम लोग इस पर आगे के समुचित मेरा प्रयास रहेगा कि शहर को एक ऐसा हम लोग निर्माण करें जो आने वाले 50 सालों तक के भविष्य में ध्यान में रखकर मैं चाहता हूं शहर का निर्माण हो, और इस पे बहुत सारी कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी रहेगा। छपरा नगर निगम के परिसर में एक सभा का भी आयोजन हुआ, जहां पर तमाम लोगों ने अपने वक्तव्य को रखा और अब जो मेयर भी आए हैं उनको उन लोगों ने शुभकामनाएं दी और बताया कि किस तरह से वो तमाम वादे कर रहे हैं उससे धरातल पर उतारे। छपरा नगर निगम के मेयर ने समरसता का भी एक बड़ा उदाहरण पेश किया, जब उन्होंने छपरा नगर निगम में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का पांव पखारते हुए उन्होंने सभी स्वच्छता कर्मियों को यह विश्वास दिलाया कि नगर निगम में तमाम जो उनकी समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी और छपरा शहर के स्वच्छता के लिए वो जो योगदान दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं महापौर उसका साथ देंगे और कभी भी उन्हें कोई समस्या होगी तो महापौर उनके साथ खड़े रहेंगे। वो स्वच्छ करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसमें महापौर उनका सहयोग करेंगे और एक सामाजिक समरसता का एक बड़ा मिसाल मेयर ने आज यहाँ पेश किया है। नगर निगम के महान सेवक है, इंद्री के बदौलत नगर निगम साफ रहता है। सेवक का महापौर द्वारा और उप महापौर द्वारा और उप महापौर रागिनी कुमारी द्वारा अद्भुत अविस्मरणीय जिसका सम्मान कोई नहीं करता, आज उसका सम्मान हमारे महापौर लक्ष्मीनारायण गुप्ता द्वारा। छपरा टुडे.com